तो हमने अभी तक की क्लासेस में होम मेनूबार के अंदर फीचर्स को देखे, हमने कुछ बहुत सारे फंक्शन पढ़े और कुछ छोटे मोटे फंक्शन कुछ जो फीचर्स थे उसको छोड़ भी दिया, और मैंने बोला कि आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो समझ में आएगा हम आपको रिपीट कर देंगे। सो हम अब जो है मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, इंसर्ट मेनू बार। तो इंसर्ट मेनू बार में हम सबसे पहले टॉपिक है बात करेंगे पिवट टेबल, और पिवट टेबल एक्सेल का सबसे बड़ा टॉपिक है। जी हाँ, सबसे बड़ा। क्यों? देखिए पिवट टेबल करता क्या है, उससे पहले जानिए कि आप जो रिपोर्ट बनाते हो उस रिपोर्ट का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द रिपोर्ट? रिपोर्ट को हम बना सकते हैं समरी ऑफ द डेटा, सिंपल। आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं उसका बेस डेटा की समराइजेशन ही होता है, समझे? आप कोई भी रिपोर्ट बनाए, जैसे आपने मंथली रिपोर्ट बनाया तो आपकी डेली सेल्स डेटा को मंथ में क्लब करके समराइज किया होता है। भले ही उसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन आप ऐड कर दे, लेकिन उसका बेस समरी ही तो होता है। हाँ, पिवट टेबल का यूज अगर डेफिनेशन देखें तो पिवट टेबल का यूज है कि वी कैन एनालाइज द डेटा फॉर इसलिए बड़ा टॉपिक। अब होता क्या है, चलिए हम आपको एक डेटा पे समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा ओपन कर, अब एक बार डेटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं हाईलाइट में। डेटा आपके सामने बेसिकली ये मेरे वेबसाइट के सेल्स का डेटा है, ठीक है? मान लीजिए ये मेरे यहाँ पे मेरे साइट्स हैं, ये हमारे सेल्स मोड्स हैं, ये हमारे पर्सन्स हैं, सिटी वगैरह है, ये आपका प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, टोटल। अब बस मुझे ये चीज़ जानना है कि मुझे क्या करना है, कि मुझे यहाँ परसेंटेज देना है कि अगर आप परचेज करते हैं तो आपको हम 2% का डिस्काउंट देंगे। लेकिन आप पहले ये तो देख लें कि हमारा हम परसेंटेज क्यों देंगे, ताकि हमारा सेल बढ़े। सेल बढ़े तो कहाँ बढ़े? जहाँ पे सेल कम हो रहा है ना, क्या सर? अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है, इतनी सेल होती है, इतना डिमांड है कि आपका स्टॉक में आता है उस आते ही खत्म हो जाता है, तो उस पर आपको डिस्काउंट देने की क्या जरूरत है? आप डिस्काउंट तभी देंगे ना जब आपके पास प्रोडक्ट होल्ड होता हो स्टोर में, क्या? तो हमें बस ये देखना है कि किस सेल्स मोड में हमें कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, इसकी इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें डिसाइड कर सके कि हमें जो परसेंटेज देना है किस सेल्स मोड में देना है। मान लीजिए ऑनलाइन जो सेल होती है उसमें हमारा प्रोसेसिंग और बाकी चीज़ में खर्चे कम बढ़ते हैं, या कुछ छोड़िए, मान लीजिए कि ऑनलाइन जो हमारी सेल होती है उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाता है, तो और वो हमें ही बहर करना होता है, कस्टमर से हम नहीं लेते। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग हो, क्या? तो डायरेक्ट सेलिंग में मेरा चाहता हूं कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग हो, इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर परसेंटेज लगाना चाहते हैं। तो पहले देखते ले हम कि हमारा डायरेक्ट सेल क्या है, पता चला कि सबसे हाईएस्ट सेल हमारा डायरेक्ट सेल ही है, तो परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट देखें तो हम तो अपनी पैर पर गुनाही मारेंगे। तो इसलिए हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सकें। अब इसके लिए अगर आप पिवट यूज ना करें तो सबसे पहले तो सारे सेल्स मोड को एक जगह पर रखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला से या मैनुअल एक एक का सम करना पड़ेगा। बस पिवट टेबल इसको विथ इन मिनट सके, मैंने मिनट भी पूरा नहीं देगा, इस इंफॉर्मेशन को बना देगा। क्लिक किए एंड ओके, और यहाँ हमने अपना सेल्स मोड रखा, लिस्ट ऑफ सेल्स मोड आ गया, और यहाँ पे क्वांटिटी लेगा और ये मेरा आ गया। और इसको क्विकली फॉर्मेट भी आसानी से कर लीजिए यहाँ से। इसको विजुलाइजेशन देना है तो आप इसी में आपको चार्ट भी होता है, आप चार्ट भी दे दीजिए। बन गई आपकी रिपोर्ट सर? तो
तो पिवट टेबल इसी तरह की समरी निकालने का यूज किया जाता है। तो चलिए पिवट टेबल को शुरू करने से पहले कुछ चीजें जान लें। पहली चीज है कि पिवट टेबल लगाने से पहले ऊपर का जो हेडिंग है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर का हेडिंग अगर ब्लैंक है तो आपका सिक्स के बाद यहाँ पे फाइव बनाएगा, नहीं गलत बना रहे, एक समझ ठीक है, फोर टू फोर वन होगा ना, फोर नाइन में पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। आपका कोई रो जो है वो पूरी की पूरी रो आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर पूरी की पूरी रो अगर ब्लैंक है तो पिवट नहीं लगेगा, क्योंकि पिवट जो है आपका वो कंट्रोल ए पे वर्क करता है, समझे। तो पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। एंड सो ऑल्सो कॉलम। अब अगर आपका ब्लैंक डेटा हुआ तो पिवट लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ब्लैंक से ऊपर के डेटा को ले लेगा, नीचे के डेटा को कंसीडर नहीं करेगा, समझे। तो ये चीज का ध्यान आप रखें। अब उससे पहले आपको पिवट पर लगाने से पहले दो चीज कि आपका डेटा क्या है, आपको चाहिए क्या। जैसे मुझे इसमें एक रिपोर्ट चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी में सेल किया, कौन कौन से पर्सन ने कौन कौन से प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए मैट्रिक्स फॉर्म। मुझे रो में प्रोडक्ट पर्सन के नेम आइए नेम चाहिए, ऊपर में कॉलम में प्रोडक्ट का नेम चाहिए, यहाँ टोटल चाहिए। मतलब कि एक पहले परफॉर्मेंस तैयार कर लीजिए कि आपको आखिर चाहिए कैसा। जैसे मुझे इस तरह चाहिए कि यहाँ पे पर्सन का नेम आ जाए यहाँ पे, जैसे कि नेम, मतलब एक अपने मन में या पेंसिल से तैयार कर लीजिए और यहाँ पे प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, प्रोडक्ट यहाँ आ जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल हमें वैल्यू दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरह का रिपोर्ट मुझे चाहिए, समझे। तो हम यहाँ आते हैं इंसर्ट में, आते हैं पिवट टेबल और पिवट टेबल को हम लगाते हैं। और पिवट टेबल को लगाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को कॉलम में रखते हैं और नेम को रो में रखते हैं, बात समझे। हमने प्रोडक्ट को उठाया कॉलम में रखा क्योंकि मुझे कॉलम में चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट को यहाँ रखिए, कॉलम को वहाँ रखिए, नेम को वहाँ रखिए, ठीक है। तो मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो जिसका टोटल चाहिए वो हमेशा वैल्यू वाले फील्ड में आते हैं। नहीं देखो फोर यहाँ पर फोर कंप्यूटर लिखा 98 में से वन गया, कितना बचा 98 में से 8 में से 1 गया, कितना बचा 8 में से 9 सॉरी 1 4 9 7 4 9 6 7 अभी मैं रिपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे जैसे कि इसमें क्या हम चेंज भी कर सकते हैं, देखिए चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रो लेवल लिखा हुआ है, मैं इस रो लेवल को चेंज कर देता हूँ इसको नेम में, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। यहाँ कॉलम लेवल है, मैं इस पर प्रोडक्ट लिख देता हूँ। इस तरह की चेंजिंग आप कर सकते हैं। जैसे पूजा है तो यहाँ पे पूजा सिंह होना चाहिए, तो यहाँ पे पूजा सिंह मैं हम चेंज कर देते हैं। बट मुझे लगा कि 2457 गलत है, 2456 होना चाहिए, नहीं कर सकते। मतलब जो कैलकुलेशन होता है, जो वैल्यू की फील्ड की कैलकुलेशन होती है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, बाकी को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। और इसकी फॉर्मेटिंग की बात रही, तो ऐसे जो नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग आप करते हैं ना यहां से, ऐसे नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम नॉर्मल जैसे फॉर्मेटिंग करते ना कि जैसे बॉर्डर को कलर कर दिया यहाँ पे, ये तो आपको आता ही होगा ना सर कि कलर मार दीजिए यहाँ पे, बॉर्डर लगा दीजिए, तो ऐसी फॉर्मेटिंग आप इसको करके अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं ना, क्योंकि बिजनेस के लिए थोड़ा सा अच्छा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, कलर वलर थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि देखने में अट्रैक्टिव और सिंपल और समझ में आना चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग हट सकती है। अब हम रिफ्रेश तब करेंगे, अब क्यों करेंगे, देखिए डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कुछ चेंज किया, तो ये पिवट पे तभी इफेक्ट होगा जब हम रिफ्रेश करें। ये फॉर्मूले की तरह नहीं है कि आपने चेंज किया और एंटर मारते ही आपका रिजल्ट अपडेट हो, आप अगर चेंज करते हैं तो रिजल्ट को अपडेट होने में टाइम लगेगा कि जब तक आप उसको रिफ्रेश ना, तो रिफ्रेश करते ही आपकी फॉर्मेटिंग हट सकती है, क्योंकि आपकी फॉर्मेटिंग पिवट से कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका डेटा, अभी आपका रिपोर्ट जो है वो है 14 तक, 14 नंबर रो तक, कल के डेट में बढ़ गया यहाँ तक आ गया, 21 से चला गया, तो 21 तक का फॉर्मेट तो आपने नहीं किया, वो फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, तो इसलिए पिवट का जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही इसके डिजाइन यहाँ दिख रहा है ना सर, डिजाइन में आइए, ये इतने सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, मतलब एक टेबल टाइप के फॉर्मेट होते हैं, इस फॉर्मेट में से जो फॉर्मेट आपको लग रहा है कि आपके डेटा और आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए। जस्ट राइट क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश क्यों करेंगे, नहीं फॉरवर्ड करेंगे तो पिवट ही हट जाएगा आपका, तो फिर पिवट हट जाएगा ना आपका, पिवट हट जाएगा, पिवट किसने किया, नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिक्कत नहीं है सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिक्कत नहीं रहेगा, नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो। लेकिन अब इसमें आगे पिवट पढ़ने से पहले आप पहले पिवट, कई सारे पिवट लगा के थोड़ा सा पिवट को छेड़छाड़ कीजिए, उसको हम अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। तो पिवट मैंने बता दिया कैसे लगता है, कैसे यूज होता है, क्यों जरूरी है, अब आप अपने हिसाब से पिवट को छेड़छाड़ कीजिए, कम से कम 10-15 पिवट बनाए और रो को इधर उधर रखे और इफेक्ट को देखे, उसके ऑप्शन को देखे, उसको समझने की कोशिश करें, फिर हम कल से जो है पिवट टेबल को कंटिन्यू आपके साथ ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके।